हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हनी और आप देख रहे हैं मिस्टर हनी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, फ्रेंड्स, मैंने अपने डिवाइस के अंदर ग्लोबल वर्जन 12 थीम को इंस्टॉल कर लिया है। फ्रेंड्स, ग्लोबल की भी MI 12 की थीम आ चुकी है, फुली स्पॉटेड थीम है फ्रेंड्स, फुली वर्किंग थीम है। चलिए एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले लुक आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टोटली आइकन MI 12 के ही आपको मिल जाते हैं। बैकग्राउंड का आइकन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा फ्रेंड्स आइकन मिल जाता है, क्योंकि अभी लॉन्च की है थीम फ्रेंड्स ये ग्लोबल वर्जन में। इसमें कोई बग वगैरह आपको नहीं मिलेगा, काफी स्मूथनेस मिलने वाली है। जो पहले एक थीम थी फ्रेंड्स MI 12 की, अब ये ग्लोबल की थीम आ चुकी है, जो कि काफी अच्छी बात है फ्रेंड्स। काफी परफेक्ट तरीके से आइकन वगैरह वर्क करेंगे और फुली स्पॉटेड थीम है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये आइकन आपको MI 11 के जैसे ही मिल जाते हैं, जो कि MI 12 के अंदर आपको कुछ इसी तरह के आइकन मिलने वाले हैं ग्लोबल वर्जन में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफी अच्छे से वर्क करती है थीम, फुली फंक्शनिंग है फ्रेंड्स आइकन्स की, जैसे MI 11 के अंदर होती है। बाकी यहाँ पर आइकन पैक्स वगैरह आप देख सकते हैं, काफी अच्छे लगते हैं और स्मूथनेस में काफी अच्छे हैं। बाकी यहाँ पर आप टाइम का आइकन देख सकते हैं, काफी अलग तरीके से वर्क करता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से है। बाकी चलिए अब आपको नोटिफिकेशन पैनल एक बार चेकआउट करा देते हैं। ये रहा फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन पैनल, MI 11 से थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। बाकी MI 12 का नोटिफिकेशन पैनल आप सभी को पता है, आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला फ्रेंड, जो कि इस थीम के अंदर लॉक स्क्रीन में वर्क करता है। कुछ ये कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, काफी अच्छा। इस थीम के अंदर सिर्फ आपको लॉक स्क्रीन पर ही मिलेगा। अभी होम स्क्रीन में थीम अगर कोई आ जाती है नोटिफिकेशन पैनल की, तो मैं इस चैनल पर आपको चेकआउट और दिखा भी दूंगा। बाकी फ्रेंड्स, थीम काफी अच्छी है, क्योंकि ग्लोबल वर्जन में लॉन्च हो चुकी है। थीम स्टोर में ही आप इजीली इसको सर्च आउट कर सकते हो, बस जस्ट आपको ग्लोबल वर्जन 12 लिखना है फ्रेंड्स। यहां पर एक बार आपको मैं दिखा देता हूं, जस्ट आपको ग्लोबल वर्जन, बस आप 12 भी लिख दोगे एंड सर्च करोगे, तो सबसे पहली जो थीम मिलेगी आपको फ्रेंड्स यही मिलने वाली है, जो कि 30.9 MB की थोड़ी सी बड़ी थीम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, थीम काफी अच्छी है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं मिलती आपके थीम स्टोर में, वैसे तो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, पर आपके डिवाइस के अंदर MI 11 होना चाहिए तभी ये वर्क करेगी। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं मिलती तो टेलीग्राम ग्रुप में इसकी फाइल मिल जाएगी, थीम एडिटर से इसको इंस्टॉल कर लेना। बाकी सेटिंग के आइकन आप देख सकते हैं, आपको कुछ अलग मिलेंगे, थोड़े से अलग किए गए हैं MI 11 थीम से। बाकी अबाउट फोन आइकन सारे टोटली सिग्नल, वाईफाई, ब्लूटूथ, पोर्टेबल हॉटस्पॉट, लॉक स्क्रीन, मतलब डिस्प्ले, साउंड वाइब्रेशन, सारे आइकन्स टोटली आपको चेंज मिलेंगे, फुली स्पॉटेड मिलेगी आपको। फुल स्क्रीन जेस्चर की लुक थोड़ी सी चेंज मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात है फ्रेंड्स। चलिए बाकी इसके अंदर आपको देखते बूट एनिमेशन इन बिल्ड मिल जाता है। बूट एनिमेशन आपको MI 11 का ही मिल जाता है, एक बार चेकआउट करा देता हूं। तो फ्रेंड्स, डिवाइस को मैं रिबूट कर लेता हूं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं MI 12 का बूट एनिमेशन इसके अंदर आपको ग्लोबल वर्जन में मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक थीम पहले भी आई थी, पर ये उससे थोड़ी काफी अच्छी थीम है फ्रेंड्स, ग्लोबल वर्जन में भी आ चुकी है। इसके अंदर आपको बग वगैरह नहीं मिलेंगे, बग फ्री मिलेगी। बाकी आप बूट एनिमेशन देख सकते हैं, काफी अच्छे से परफेक्ट तरीके से वर्क करता है। बाकी चलिए लॉक स्क्रीन की आपकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन आपको दिखा देते हैं। बाकी लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह ही मिलता है, क्योंकि MI 12 का लॉक स्क्रीन आपको कुछ इसी तरह मिलने वाला है। अगर आप बी से टैप की तरफ नीचे करोगे तो आपको नॉर्मल जो इस थीम का नोटिफिकेशन पैनल है वो मिलेगा। बाकी थोड़ा साइड से अगर आप करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक थोड़ा सा आइकन मिला हुआ है, इस पर अगर आप टैप करोगे तो MI 12 का कंट्रोल सेंटर वर्क करेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको कोई मैसेज वगैरह आएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है फ्रेंड्स। बहुत ही परफेक्ट तरीके से वर्क करती है ये थीम। इंस्टॉलिंग प्रोसेस काफी सिंपल है, थीम एडिटर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी आप थीम स्टोर में ग्लोबल वर्जन 12 लिखोगे तब आपको मिल जाएगी, काफी अच्छी है। बाकी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आइकन पैक्स काफी स्मूथनेस है, मतलब काफी जो MI 11 के आइकन पैक्स थे इसके अंदर आइकन पैक्स काफी स्मूथ किए गए हैं, थोड़े डिजिटल टाइप लगते हैं फ्रेंड्स। बाकी आप देख सकते हैं नॉर्मल आपको सारा कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, काफी अच्छी थीम है, बहुत ही बेस्ट थीम है फ्रेंड्स। ब्राइटनेस का आइकन आप देख सकते हैं काफी अच्छा है, फुली स्पॉटेड फ्रेंड्स। डार्क मोड भी फुली स्पॉटेड है, फिर आपको चेकआउट करा देता हूँ। डार्क मोड को ओपन करते ही डार्क मोड फुली स्पॉटेड है फ्रेंड्स, काफी अच्छे से हर एप्लीकेशन के अंदर डार्क मोड भी अवेलेबल वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट अवेट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फुली स्पॉटेड डार्क मोड है, सेटिंग के अंदर भी डार्क मोड वर्क करेगा, काफी अच्छे से वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। एक नई थीम आपको बतानी थी ग्लोबल वर्जन 12 में भी, थीम आ चुकी है MI 12 की, तो फ्रेंड्स प्लीज इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।